दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, UP SSSC लेखपाल रिजल्ट अपडेट पर। दोस्त लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार भैया लेखपाल जो भर्ती परीक्षा हमारी 31 जुलाई को सम्पन्न हुई थी उसका रिजल्ट कब तक आएगा। अगर देखा जाए लगभग 2,25,000 अभ्यर्थियों को इस लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, तो उसी के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष कहा जा रहा है कोर्ट का बड़ा फैसला, 13 फरवरी को हो जाओ तैयार। बिल्कुल इसमें क्या कुछ कैसे है, आखिरकार 13 फरवरी को क्या कुछ कैसे होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपका जो सबसे अहम मुद्दा है रिजल्ट का, यह भी कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग का मुद्दा बनता हुआ चला जा रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी के जुबान पर यही है कि आखिरकार रिजल्ट हमारा कब तक घोषित होगा, डीवी बस सिलेक्शन वाले कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ को लेकर भी काफ़ी अटकलें आपके हैं कि भैया कट ऑफ कितनी हो सकती है, क्या कुछ कैसे, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको इस 13 फरवरी वाली बात पर चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए इस भर्ती परीक्षा में जो है लगभग 2,25,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि हमने आपको पहले बताया। लेकिन अगर देखा जाए आपका मामला अगर विभिन्न तरह से देखे जाए तो लोग इस मामले को लेकर कोर्ट चले गए, और कोर्ट कैसे कैसे गया मामला अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन को लेकर चले गए, कुछ आरक्षण को लेकर चले गए। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ें आयोग को एक बहाना के रूप में मिल जाता है कि मामला कोर्ट गया है और हम रिजल्ट को कैसे दें। अगर आयोग चाहे तो रिजल्ट को घोषित कर सकता है, ठीक है। आयोग अगर हाँ, हमने कहा कि अगर आयोग चाहे तो रिजल्ट को घोषित कर सकता है, उसमें कोर्ट का कोई भी दबाव नहीं है कि रिजल्ट आप मत घोषित करिए। लेकिन यह जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है, अब इसे हम लेखपाल ना कह करके यह लेटपाल होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट तो आपका घोषित किया जा सकता है भैया, कम से कम अगर रिजल्ट यह घोषित कर देते तब भी अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ सांत्वना हो जाती कि हाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो चीज़ें कही जा रही है, 13 फरवरी को एक धरना प्रदर्शन का आयोजन आपके बीच में किया जा रहा है, ठीक है। धरना कहाँ कैसे होगा इसके बारे में हम कल सुबह आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका धरना प्रदर्शन किस स्थान पर रखा गया है, लेकिन बिल्कुल शांतपूर्ण माहौल से आपको धरना देना है। हाँ, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा जितना अधिक से अधिक आपकी संख्या हो सके, जैसे 2,25,000 अगर अभ्यर्थी हैं तो उसमें से अगर 1,00,000 अभ्यर्थी, वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं है कि आप 1,00,000 संख्या में पहुँचेंगे, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बाबू तो बिल्कुल इस धरने में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर कोई भी चीजें आपके बीच में रखी जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ जैसे ट्विटर कैंपियन रखा गया तो आपके हित के लिए रखा गया, और यह धरना प्रदर्शन भी रखा जा रहा है तो आपके हित के लिए ही रखा जा रहा है। जितने लोग इस जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा को दिए हैं तो बिल्कुल मैं निवेदन उनसे करूंगा कि कल सुबह की वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आप विभिन्न मीडिया रिपोर्ट से जुड़े हैं जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप, किसी जो है मतलब किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो फिलहाल के लिए ठीक है, वीडियो के माध्यम से और लोगों तक इसे आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रिजल्ट आपके कब तक आने की उम्मीद है, अगर हम रिजल्ट पर चर्चा करें तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को कोर्ट में आपकी सुनवाई है, 13 फरवरी को जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। तो 13 फरवरी को अगर हमारी संख्याएँ ज़्यादा होती हैं तो जो हम लोग अपनी बात को रखेंगे वह कहीं ना कहीं 15 तारीख को कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डाल लेगा, ठीक है। यही वजह है कि बार बार आपसे कहा जा रहा है रिजल्ट आने की उम्मीदें क्या है, कि यह चीजें ध्यान रखिएगा कि जब तक फाइनल कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक रिजल्ट आने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि आयोग का एक बड़ा बहाना है। UP SSSC वैसे अपने आप में मस्त रहता है, वो जो कहता है वो भी अपने कहे के अनुसार नहीं कर पाता है, यह सारी चीजें आपको पता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि रिजल्ट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, अगर 15 फरवरी को चीजें आपकी फाइनल हो जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में रिजल्ट मार्च तक की बातें जो आपसे बीच में कही जा रही थी कि मार्च में आपका जारी कर दिया जाएगा, वो वैसे वैसे धीरे धीरे खिसकता हुआ आगे की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो डीवी बस सिलेक्शन वाले कट ऑफ के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो देखिए इस पर हमने पर्सनल वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया है, बिल्कुल आप उसे जरूर देखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन वाली आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। बार बार एक ही मुद्दों पर वीडियो अच्छा नहीं लगता, हमने लेखपाल के ऊपर काफी दिनों से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किया,
जो कि यही चीज़ें घुमा फिरा कर बताना थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आप 13 फरवरी को तैयार रहेंगे, कल की सुबह की वीडियो का आप इंतज़ार करें, आपको स्थान बताया जाएगा, कितने बजे पहुंचना है, किस स्थान पर, कैसे, सारी चीज़ें आपको उसमें दी जाएंगे। तो वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर करने की बात मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया यह 13 फरवरी वाले बाद और भी लोगों तक, यानी बड़े स्तर से लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। तो वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।